अलका, बहुत ही सीधी, बहुत ही शांत। थोड़ी फिल्मी भी है। सच बताएं तो कानपुर में ही हमारा मन रह गया। दिल्ली आने का हमारा मन ही नहीं था, पर पापा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और ये हमारी दूसरी बिटिया अनुष्का, समझदार है, बड़ी सुलझी हुई है। और हम सबकी दादी माँ है। अरे अरे बस 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 क्या करें। पापा आप निश्चिंत रहिए, हम कानपुर की खुशबू यहाँ पे बरकरार रखने की पूरी कोशिश करेंगे। इससे तो मिली चुके हैं, थोड़ी उत्पाती है लेकिन है अच्छी। हमारी तीसरी बिटिया हम है दिव्यानी। एक्चुअली हम है ही इतनी सुंदर, कितनी तारीफ को क्या करें। लेकिन फाइनली हमारी दिल्ली में आके हमारे सारे सपने पूरे होने वाले हैं, हम उसके लिए बहुत एक्साइटेड है। और बहुत ज्यादा बातें करते हैं, बहुत सब मौज। और ये है हमारी जान, हमारी छोटी, और कद में सबसे लंबी है, सबसे छोटी हमारी प्यारी बहन गुड्डू, और ये सबसे डरपोक है और सबसे पड़ाकू। तो आइए अब हम आपको दिखाते हैं कानपुर से यहाँ तक का हमारा अब तक का सफर। या रिपोर्ट दे रहा था नहीं चलना, दिल्ली के लिए हो सकती है, कानपुर के नहीं। तुम ना दिल्ली केवल अपने हाय माय नेम इज लीवा और इमोशनल रियल शो बनाना चाहते हैं। बहुत तो इसकी एक टैगलाइन है जो कि इसमें भी आ रहा है, चार दिल्ली घर तक। बट मेन चीज जो कहना चाहते हैं, सिस्टर्स आर फॉरएवर, दिस इज वन बॉन्ड जो शादी हो जाए या साथ में रहें, अलग रहें, जो कभी नहीं। तो इस शो के थ्रू मुझे लगता है कि हर व्यक्ति एक कनेक्टिविटी को महसूस करेगा, जो सिस्टर्स हैं जो सिस्टर्स नहीं भी हैं, क्योंकि एक बहुत इंडियन शो है। और ये सिस्टर्स को भी मेलो ड्रामेटिक नहीं बनाया है, जैसे आपने एली में भी देखा कि प्यार है लेकिन झगड़े भी हैं, शिकायतें हैं, रूटीन है, एक दूसरे के प्रति शिकायतें भी हो सकती हैं, लेकिन वो जो प्यार है, जो वो जो कनेक्ट है, और एक माँ ना होने की वजह से जो एक साथ जुड़ गए अपनी एक दूसरे की बेस्ट फ्रेंड्स, एक दूसरे की देख रेख करने वाली लड़कियाँ, तो बहुत पॉजिटिव आपको शो जब आप देखेंगे भी तो बहुत पॉजिटिव शो लगेगा। थोड़ा रियल लाइफ से भी लिया है, खुद भी मेरी सिस्टर्स हैं और कानपुर से, मेरा ददिहाल कानपुर से, मैं दिल्ली में बड़ी बड़ी हूँ, तो दोनों पक्ष मैं बहुत अच्छी तरह से जानती थी। तो हम लोगों ने कानपुर की भाषा का बहुत प्रयोग किया है, आप जब डायलॉग सुनेंगे आगे जाके तो एक बहुत टच है डायलॉग्स में, इन टर्म्स ऑफ कानपुर से हम जब दिल्ली आते हैं, फ्रॉम बीइंग एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट से लाजपत नगर के पंजाबी मोहल्ले में आना, एक कल्चरल शॉक भी होना, लेकिन ये लड़कियाँ सर्वाइवर्स हैं, ये अपना रास्ता कहीं पर भी किसी भी तरह से गिर के पड़ के जैसे भी करके निकालेंगी अपना रास्ता। शूटिंग के टाइम में हम लोगों ने दिल्ली में बहुत सारी शूटिंग की, काफ़ी लोगों के लिए पहली बार दिल्ली जाना था तो उनको महानगर भी लगा, क्योंकि दिल्ली की रोड्स, दिल्ली का खाना वॉज वेरी नाइस, दे वर ऑल्सो एप्रीहेंसिव बिकॉज देयर इज एन इमेज ऑफ दिल्ली दैट इज अनसेफ फॉर गर्ल्स, बट वी हैड लॉट ऑफ फन शूटिंग इन दिल्ली एंड वी हैव ट्राई टू इनकॉर्पोरेट थिंग्स जो किसी के भी परिवार में हो सकता है। सो गर्ल्स के बीच वी हैव नॉट ट्राई टू क्रिएट एनी एंटैगनिस्ट इन द शो, एक रियल शो है जिसके लोकेशंस, परफॉर्मेंसेज अगर आप सेट भी देखेंगे तो हमने उसको एकदम मिडिल क्लास सेट की तरह से रखा है, लड़कियों के पर्सनल एलिमेंट्स डाले हैं, बुक्स का, फोटोग्राफ्स का, जैसे एक वॉर्म्थ और एक लिव्ड इन फील का भी आपको फील आए कि घर है। और जैसे शास्त्री जी कहते हैं घर घर वालों से बनता है, तो कानपुर से ही अपनी यादें समेट के अपने आप को लेके दिल्ली में अपना एक घर बनाएंगे और अपनी कहानी आगे चलाएंगे। और जो एक अंडरलाइन इमोशंस हमारा हमेशा इमोशन में हमेशा हमारा जो रहेगा वो यही रहेगा कि सिस्टर्स आप फॉरएवर, चाहे बाप के सामने अपने पिता के सामने भी मालूम है किसने गलती भी की है तो एक यूनाइटेड फ्रंट रहेगा, एक ऐसा बॉन्ड रहेगा जो इनके बॉयफ्रेंड, पति, जो भी कोई लाइफ में आगे आएगा वो भी इस बॉन्ड को नहीं तोड़ पाएगा।
शिकायतें हो चाहे जो भी हो, ये फेविकोल का मजबूत जोड़े है, टूटेगा नहीं। प्यार के बंधन में बंधे हम चार दिन, चार दिन एक घर, हमेशा एक साथ शादी। हमारे इस नए घर में, हमारे इस नए सफर में आप हमारा साथ देने आए, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और आशा करते हैं कि आगे भी हमारी मुलाकात इसी तरह होते हैं, पर हाँ, जाने के पहले प्रसाद लेना न भूलना। We would now like to open the floor for one-on-ones and request all the news channels and video teams to proceed for lunch while the print media completes their interviews. Thank you. सामने आप कौन से ग्राउंड में डाउन सुनील मैम सामने मैम स्टेज शुरू क्या करें सुनील को होने दो ए ले भाई सुनील हाँ या राइट मैम या स्टेज मैम सामने यहाँ पे हो रहा है मैम ये तो नहीं मेरे भाई स्टेज मैम ये तो नहीं हो गया तेरा हो गया नहीं 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 नीचे भी देखिए राइट में राइट में देखो राइट में एक्सक्यूज मी मैम एक मैम सामने आते बाद में देखो और नीचे एक्सक्यूज मी वन मोर मैम स्टेट एक्सक्यूज मी एक्सक्यूज मी मैम स्टेट थैंक यू यस लुक हियर योर लेफ्ट सेंटर लुक योर राइट या स्टेट ये 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 लुको हो गया तो यार रुकना मैम स्टेट लुक हियर लुक हियर क्या करता हूं ये बड़ा यहां पर लुकिया
बोल ना अभी इधर से चेंज करके जाना है बॉलीवुड एंड ग्लैमर का ये दिया हुआ मैंने पहले बहुत सारा तहलका करने वाले हैं, बहुत सारी मस्ती करने वाले हैं लोग, लॉट्स ऑफ इमोशन, लॉट्स ऑफ ड्रामा, लॉट्स ऑफ लव, बहुत 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 सारी चीजें ऑल द थिंग्स, सब झगड़ा झगड़ा भी देखने मिलेगा। शाश 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 अच्छा, मेरा रियल नाम है नेहा पेडनेकर और मेरे कैरेक्टर का नाम है अलका शास्त्री। मेरा रियल नेम है प्रगति चौरसिया और मेरा कैरेक्टर नेम है पिया शास्त्री। मैं हूँ इशिता गांगुली, मेरा कैरेक्टर है अनुष्का शास्त्री। मैं हूँ दिव्यानी शास्त्री और मेरा रियल नेम है सोनल वेंगुरलेकर। अभी एक्चुअली ये जो बॉन्डिंग है हमारी रियल बॉन्डिंग ही है, ये हमारी रियल बॉन्डिंग ही है, हमारी थोड़ी अलग है रियल बॉन्डिंग, थोड़ी रियल बॉन्डिंग हमारी थोड़ी फिर भी है। हां फिर भी बहुत रियल, हमारी फुल ऑन बिंदास, फुल ऑन, जो भी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं। नो आई थिंक पापा तो मतलब मम्मी नहीं है, तो फिर आप चारों में से मेन कौन है, मतलब लाइक जो आप सारी चीजें आप शेयर करते हैं बताते हैं या फिर आप सब में शेयर, सब शेयरिंग करते हैं, शेयर हम सब लोग एक साथ ही करते हैं। वैसे हां सब मम्मी नहीं है तो संभालने हैं तो मैं मम्मी टाइप सी, तो सबको संभालना जो है, जो एक बॉन्ड बना कर रखना है, दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी वो अनुष्का। अभी तो अभी पता नहीं है, अभी आएंगे ना, आएंगे आएंगे चार चार लड़कियां, कोई हीरो के बिना शो कैसे होगा, शो तो अभी तो वो देखते जाइए फिर आपको पता चल जाएगा। बॉलीवुड तो बहुत बहुत फेवरेट है, बट उनकी एक्टिंग कौन इमिटेशन नहीं, क्योंकि हम उनके रिस्पेक्ट करते हैं जी, तो उसकी एक्टिंग हम डेफिनेटली अच्छा लगता है, पर वो इमिटेट नहीं करना चाहते। चलिए उनका कोई गाना फेवरेट गाना हो रणबीर का, कौन सा फेवरेट अच्छा है, गाने तो इतने सारे हैं लेकिन ऐसे इतने अचानक नहीं आ रहे। फूलों का तारों का फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। ला 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 ला, आगे का नहीं आता।